subscribe to our channel and press the bell icon for latest cricket and football news. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ सुनील छेत्री का इंजरी न्यूज, आईएसएल नेक्स्ट मैच, इंडिया वर्सेस जॉर्डन मैच, इमिलानो अल्फारो 280 के और ये न्यूज पुणे सिटी एफसी के बारे में। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और लाइक जरूर करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस जॉर्डन मैच के बारे में। दोस्तों, ये मैच आज है। हाँ दोस्तों, ये मैच आज है और आज रात को ये मैच 10 बजे आएगा। यहाँ दोस्तों, आज रात के 10 बजे यह मैच आएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं सुनील छेत्री की इंजरी न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, सुनील छेत्री को इंजरी हो गई है और वे इंडिया वर्सेस जॉर्डन वाले मैच से बाहर हो गए हैं। दोस्तों, ये इंजरी काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मेरे ख्याल से सुनील छेत्री एक हफ्ते में रिकवर कर लेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आईएसएल की नेक्स्ट मैच के बारे में। दोस्तों, आईएसएल का नेक्स्ट मैच 21 नवंबर को होगा पुणे सिटी एफसी वर्सेस जमशेदपुर एफसी के बीच में। दोस्तों, अब बात करते हैं ये ह्यूम और अल्फारो के बारे में। दोस्तों, कुछ दिन पहले एटीके में कालू जे इंजर्ड हो गए और 3 महीने के लिए आईएसएल से बाहर हो गए। और इसी में न्यूज आया कि ये ह्यूम आईएसएल में वापसी कर रहे हैं एफसी पुणे सिटी के ओर से। और ये ह्यूम के आने से इमिलानो अल्फारो पुणे सिटी एफसी के टीम से बाहर जाएंगे। दोस्तों, इमिलानो अल्फारो ने एटीके से बात की कालूचे के रिप्लेसमेंट बनने के लिए और एटीके ने लगभग कंफर्म कर दिया है अल्फारो एटीके में आएंगे। दोस्तों, ये ह्यूम पुणे सिटी एफसी में आ चुके हैं और अल्फारो एटीके में जाएंगे, ऐसा न्यूज आ रहा है। दोस्तों, लगभग 80% कन्फर्म है कि अल्फारो एटीके में होंगे। तो दोस्तों, ये थी आईएसएल से जुड़ी एक खबर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और क्रिकेट और फुटबॉल से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।